एक जून से टोहाना में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जारी उलझन सोमवार को सुलझती दिखाई थी, जब पुलिस और प्रशासन ने किसानों के साथी मक्खन सिंह को रिहा करने का आश्वासन दे दिया, जिसके बाद किसानों ने सदर थाने के बाहर धरना खत्म कर दिया। लेकिन अभी तक किसान मक्खन सिंह की जमानत पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, न ही उसे रिहा किया गया है। लिहाजा मामले की सूचना मिलने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी टोहाना वापस लौट आए हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि किसान एक बार फिर से थाने में धरना शुरू कर सकते हैं। कोर्ट ने जो बातें हुई हैं कोर्ट के बारे में बताई हैं, भाई एप्लीकेशन फाइल होगी और पुलिस के नोटिस के जवाब के लिए कल के लिए डेट लगाई है जज साहब। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देना चाहिए था उन्होंने। ऐसा है जी, ये तो कोर्ट मैटर है, उनको चाहिए, ये तो उनका जी जुडिशियल मैटर है। ये तो पुलिस की ढिलाई मानते हैं, वैसे पुलिस की ढिलाई है, मतलब जवाब नहीं पता चलेगा 307 हटी है या नहीं। जो शिकायत करता था उन्हें अपनी शिकायत वापस ले लिया था, इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। एफिडेविट दिए गए शिकायत करता की तरफ से? ऐसा है जी, ये नॉलेज में नहीं है, कोर्ट की नॉलेज में अभी नहीं आया जी। मतलब सर, ये ना ही पुलिस ने बताया सर, मतलब कल उनकी बेल ही होगी, न कि मुकदमा बिल्कुल। ये तो नहीं लगाया ही मुकदमा बेल के लिए है, तो केस है जो बेल के लिए है, खारिज का तो मुकदमा अभी आया ही नहीं है। तो कल जमानत की मतलब मान रही हो जाएगी कल? ये कोर्ट मैटर है जी, ये कुछ नहीं कह सकते। किसानों की तरफ से मक्खन सिंह की जमानत याचिका कोर्ट में लगाई गई है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ऐसे में किसानों का अगला कदम क्या होगा इस पर भी संशय बरकरार है। बता दें कि टोहाना सदर थाने में चला रहा किसानों का धरना इसी बात पर खत्म हुआ था कि मक्खन सिंह की शाम तक जमानत हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।